सही ईवीएम मशीन कितनी ईवीएम मशीन आई और क्या प्रोसेस था उसका फर्दर? ईवीएम मशीनें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद से 2270 बैलेट यूनिट, 2270 वीवीपैट और 25 CU कंट्रोल यूनिट हमें अभी तक प्राप्त हो गई हैं, जिनको स्ट्रांग रूम में जो फुल मंडी फेस्ट रूम है वहां रखवा दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी की उपस्थिति में उन सभी को इन्वाइट किया गया था, आप देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट की संख्या अभी कम है, वो भी और प्राप्त होंगी हमें। इन सारी मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है FLC, ये मैंडेटरी है प्रोविजन, ये भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है। इसे करने के लिए इंजीनियर्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद से ही आ रहे हैं। 7 जनवरी के आसपास संभावित तिथि है, ये लगभग 10-12 दिन मैक्सिमम 2 सप्ताह तक इस प्रक्रिया के चलने की उम्मीद है। इसमें प्रत्येक मशीन की जांच होती है खोल करके, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि क्या चीजें चेक होनी है। ये सारे काम पॉलिटिकल पार्टीज की उपस्थिति में होना है, तो उनको सभी को पत्र जारी कर दिया गया है, व्हाट्सएप से भी, फोन से भी, वो वहां मौजूद रह सकते हैं। ये सारा काम फूल मंडी में होगा, CCTV वीडियो कैमरे की निगरानी में होगा, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होगा, बिना पास के एंट्री और एग्जिट नहीं है वहां से, और फायर अग्निशमन PAC वगैरह की पूरी व्यवस्था रहेगी, प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन होगा। कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा इसमें? हाँ, जब इसके बाद FLC हो जाएंगे तो कुछ मशीनें तो रिजेक्ट होने की संभावना है कि खराबी या टूट फूट या किसी तरीके से, जो ओके मशीनें होंगी, FLC ओके मशीनें जो होंगी, उनमें से हम जितने बूथ हैं जनपद में, अभी लगभग 14 से 17 बूथ हैं, उनका अप टू 10% यानी 140 के आसपास मशीनें हम अधिकतम निकाल सकते हैं FLC ओके हो चुकी मशीनों में से। उन 10% मशीनों का इस्तेमाल प्रशिक्षण और जागरूकता, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए किया जाएगा। इन्हीं 10% मशीनों से हम पोलिंग पार्टीज की भी ट्रेनिंग करेंगे और हम प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगे, जिसके लिए हम तमाम RWAs में, मॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में, बार एसोसिएशन, व्यापार बंधु, उद्योग बंधु और भी जो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, सभी के बीच हम जाएंगे। मशीनें हमारे सरकारी कार्यालयों में, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक, तहसीलों में उपलब्ध रहेंगी जन सामान्य के लिए, कि आइए वोट डाल के देखिए, हमारी मशीनों को समझिए, वोटिंग की प्रक्रिया को देखिए। ईवीएम के संबंध में अगर कोई भ्रांति है आपके दिमाग में कि ईवीएम अपने आप से कुछ बिहेवियर उसका बदलता रहता है, तो उन सब भ्रांतियों को आप चाहे तो दूर कर सकते हैं, तो ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ईवीएम में और तमाम तरह की जो भ्रांतियां जो प्रचलित होती हैं उनसे दूर भी हो पाएंगे।